हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस सतरंग पंजाब के बीच में होने वाला 5th T20 मैच के बारे में। और ये मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान में खेला जाएंगे। और ये लीग है नेशनल T20 कप 2021 का लीग। और ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 3:30 बजे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर पिच और वेदर रिपोर्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, ये पिच बैलेंस्ड रहने वाला है। वेदर कोई बारिश के चांसेस नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर 140 से 160 रन तक बन सकता है इस पिच पे। और यहाँ पर जो भी टीम पहला बैटिंग करेगा वो 20% जीतने की चांसेस है। और टीम बॉलिंग फर्स्ट विनर यहाँ पर 80% फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, दोनों टीम के चांसेस, पॉइंट्स टेबल, हेड टू हेड, सारा इन्फॉर्मेशन, प्लेयर्स की स्टार्ट, सारा इन्फॉर्मेशन यहीं पर फ्रेंड। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर दोनों टीम की अगर फॉर्म की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा लास्ट 5 मैच में फ्रेंड 3 मैच जीते हैं और 2 मैच हारे हैं फ्रेंड। और यहाँ पर सतरंग पंजाब लास्ट 2 मैचेस हारे हैं, उसके बाद 3 मैच जीते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा लास्ट 2 मैच जीते हैं और यहाँ पर सतरंग पंजाब लास्ट 2 मैचेस हारे हैं। अगर विनिंग चांसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की 60% है और सतरंग पंजाब की 40% है। वो क्यों है फ्रेंड्स, अब हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं दोनों टीम की प्लेयर्स की स्टैट्स। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग बात करने वाले हैं खैबर पख्तूनख्वा की प्लेयर स्टार्ट। पहला प्लेयर है फ्रेंड मोहम्मद रिजवान, कैप्टन और वाइस कैप्टन है फ्रेंड्स इस टीम का। अगर बैटिंग में देखा जाए तो इनकी ओवरऑल स्टार्ट है फ्रेंड 43 मैच, 32 इनिंग, 1065 रन है, 48.40 इनकी एवरेज है फ्रेंड। और लास्ट मैच में 65 रन बनाए हैं। और यहाँ पर मोहम्मद हरीश की बात करें तो फ्रेंड्स, ये विकेट कीपर है। अब देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर मोहम्मद हरीश का 3 मैच में 3 इनिंग्स में 85 रन बनाए, 42.50 इनकी एवरेज है। लेकिन लास्ट मैच नहीं खेले फ्रेंड, तो इनकी स्टार्ट्स आप देख लीजिएगा। उसके बाद मोहम्मद इमरान की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहम्मद इमरान खान की 11 मैच 11 इनिंग्स, 9 विकेट लिए, 8.919 इनकी इकॉनमी है। तो फ्रेंड्स, लास्ट मैच ये भी नहीं खेले, तो यहाँ पर आप स्टार्ट देख लीजिए। और उसके बाद इफ्तिकार अहमद की बात करें तो ऑलराउंडर है, 13 मैच में 11 इनिंग्स में 212 रन बनाए, 42.40 इनकी एवरेज है। और गेंदबाजी में फ्रेंड्स, यहाँ पर 13 मैच में 5 इनिंग्स में 1 विकेट लिए, 9.68 इनकी इकॉनमी है। लेकिन लास्ट मैच में गेंदबाजी नहीं की फ्रेंड, बैटिंग की है, तो यहाँ पर 40 रन बनाए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके बाद इमरान खान की बात करें तो फ्रेंड्स, बॉलर हैं, 62 मैच में 61 इनिंग्स में 69 विकेट लिए, 7.53 इनकी इकॉनमी है। तो यहाँ पर लास्ट मैच में नहीं खेले फ्रेंड्स यहाँ पर, लेकिन इनकी ओवरऑल स्टैट्स आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इजहरुल्ला भी बात करें तो फ्रेंड्स, लास्ट मैच नहीं खेले, लेकिन इनके बैट्समैन है फ्रेंड्स, यहाँ पर 58 मैच में 57 इनिंग्स में 1104 रन बनाए, 19.71 इनकी एवरेज है। और अगर गेंदबाजी में बात करें तो 58 मैच में 8 इनिंग्स में गेंदबाजी के 1 विकेट लिए, 7.57 इनकी इकॉनमी। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट मैच नहीं खेले, लेकिन ये स्टार्ट्स आपको बहुत मदद मिलने वाला है। तो पूरा टीम स्क्वाड की स्टार्ट्स है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद माज खान की बात करें तो बॉलर हैं, 5 मैच में 5 इनिंग्स में 5 विकेट लिए, 8.13 इनकी अकाउंट में, लास्ट मैच नहीं खेले फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद मोहम्मद वसीम की बात करें तो ऑलराउंडर हैं, 15 मैच 7 इनिंग्स में 46 रन बनाए, 23 की एवरेज है। उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में बात करें तो फ्रेंड्स, 15 मैच 15 इनिंग 14 विकेट, 8.74 इनकी इकॉनमी है। और लास्ट मैच में फ्रेंड्स 11 रन्स बनाए और 1 विकेट भी लिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोहम्मद वसीम का। उसके बाद यहाँ पर 9th प्लेयर है फ्रेंड्स, यहाँ पर मुसादिक अहमद, इनकी बात करें तो फ्रेंड्स, ये बैट्समैन है, 25 मैच 22 इनिंग्स में 290 रन बनाए, 19.33 इनकी एवरेज है। और लास्ट मैच में पहले ही बॉल पे आउट हो गए फ्रेंड्स, 0 रन बनाए। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा फरहान की बात करें तो बैट्समैन है, लास्ट मैच में 12 रन बना के आउट हो गए। इनके ओवरऑल स्टार्ट्स है 36 मैच 31 इनिंग 652 रन, 24.14 इनकी एवरेज है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो बॉलर हैं, 30 मैच 4 इनिंग्स 19 रन 19 की एवरेज है। और यहाँ पर गेंदबाजी में फ्रेंड्स, यहाँ पर 30 मैच 30 इनिंग 32 विकेट्स हैं, 8.17 इनकी इकॉनमी है। और फ्रेंड्स, लास्ट मैच में फ्रेंड्स इनको 3 विकेट मिला, तो बहुत अच्छे गेंदबाजी की है फ्रेंड, तो इनको जरूर हमने अपने टीम में रखना। उसके बाद आदिल अमीन की बात करें तो फ्रेंड्स, ये बैट्समैन है, 47 मैच 41 इनिंग्स 872 रन्स है, 27.25 इनकी एवरेज है। और यहाँ पर गेंदबाजी में फ्रेंड्स, 47 मैच 31 इनिंग 21 विकेट्स लिए, 7.22 इनकी इकॉनमी है। लेकिन लास्ट मैच में गेंदबाजी नहीं की फ्रेंड्स, लेकिन 18 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पर 13th प्लेयर है फ्रेंड्स, यहाँ पर अरशद इकबाल बॉलर है, 28 मैच 28 इनिंग्स 32 विकेट्स है, 7.64 इनकी इकॉनमी है। लेकिन लास्ट मैच में फ्रेंड्स 2 विकेट लिए, आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट मैच। आसिफ अफरीदी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट मैच में 1 विकेट इनको मिला, 42 मैच 40 इनिंग्स में 837 रन, 25.36 इनकी एवरेज है। ऑलराउंडर है फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हो, 42 मैच 31 इनिंग 33 विकेट, 7.51 इनकी अकाउंट में, और लास्ट मैच में 1 विकेट लिए हैं। फ़खर जमान की बात करें तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान ओपनर बैट्समैन, इस टीम का भी ओपनर बैट्समैन है,
बैट्समैन है फ्रेंड्स, यहाँ पर 53 मैच 48 इनिंग्स में 1021 रन बनाए, 21.72 इनकी एवरेज है, लेकिन लास्ट मैच में 26 रन बनाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पांच छह प्लेयर तो यहीं पर मिल गया होगा पूरे स्टार्ट्स देख के। अभी हम लोग बात कर लेते हैं सतरन पंजाब की। तो सतरन पंजाब की फर्स्ट प्लेयर है फ्रेंड्स जीशान अशरफ, विकेट कीपर है, 50 मैच 47 इनिंग 883 रन, 20.53 इनकी एवरेज है, लेकिन लास्ट मैच में 34 रन बनाए। तो फ्रेंड्स इस प्लेयर को जरूर टीम में लेना, ये आपको ये बेस्ट विकेट कीपर है, नहीं तो आप यहाँ पर मोहम्मद रिजवान को आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद सेकंड प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर जैन अब्बास, बैट्समैन है, 56 मैच 54 इनिंग्स 1426 रन, 28.52 इनकी एवरेज है, और गेंदबाजी में फ्रेंड्स यहाँ पर 56 मैच 13 इनिंग्स 8 विकेट 6.79 इनकी इकोनॉमी है, लेकिन लास्ट मैच में 25 रन बना के आउट हो गए हैं फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर थर्ड प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर शोएब मकसूद, बैट्समैन है और इस टीम की कप्तान भी, 142 मैच 135 इनिंग्स 3389 रन, 28.17 की एवरेज है, लेकिन लास्ट मैच में 18 रन बना के आउट हो गए हैं। कुशदिल शाह की बात करें तो बैट्समैन है, 80 मैच 75 इनिंग्स 1643 रन, 28.82 इनकी एवरेज है, और गेंदबाजी में फ्रेंड्स यहाँ पर 80 मैच 19 इनिंग्स 7 विकेट 6.64 इनकी इकोनॉमी है, लेकिन लास्ट मैच में 21 रन बनाए, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद अजम खान की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर विकेट कीपर है, 44 मैच 42 इनिंग्स 825 रन, 22.29 इनकी एवरेज है, और यहाँ पर लास्ट मैच में 20 रन बनाए फ्रेंड्स यहाँ पर। हसन खान की बात करें तो बॉलर है, 42 मैच 23 इनिंग्स 194 रन, 13.85 इनकी एवरेज है, और गेंदबाजी में फ्रेंड्स यहाँ पर 42 मैच 42 इनिंग 21 विकेट्स 7.80 इनकी अकाउंट में, लास्ट मैच में 4 रन बनाए और कोई सफलता नहीं मिली। और अमीर यमीन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलराउंडर हैं, 89 मैच 59 इनिंग्स 793 रन, 18.02 इनकी एवरेज है, और गेंदबाजी में फ्रेंड्स यहाँ पर 89 मैच 84 इनिंग्स 70 विकेट 8.18 इनकी इकोनॉमी है, और गेंदबाजी में 43 रन और 1 विकेट लिए हैं। मोहम्मद इलियास की बात करें तो बॉलर हैं, 35 मैच 17 इनिंग्स 68 रन 6.80 इनकी एवरेज है, और गेंदबाजी में फ्रेंड्स यहाँ पर 35 मैच 33 इनिंग्स 38 विकेट्स ने 8.87 इनकी इकोनॉमी है, और लास्ट मैच में फ्रेंड्स यहाँ पर 1 रन बनाए और 1 विकेट भी लिए हैं। और यहाँ पर नसीम शाह की बात करें तो बेस्ट बॉलर है फ्रेंड्स यहाँ पर, अब देख सकते हो 16 मैच 16 इनिंग्स में 10 विकेट ने 8.42 इनकी इकोनॉमी है, और लास्ट मैच में 1 विकेट लिए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, आप देख सकते हो लास्ट मैच में इनको 1 विकेट मिला। और जिया उल हक की बात करें तो बॉलर हैं, लास्ट मैच में नहीं खेले फ्रेंड्स यहाँ पर, 40 मैच 40 इनिंग 952 रन 26.44 इनकी एवरेज है, और यहाँ पर गेंदबाजी में फ्रेंड्स यहाँ पर 40 मैच 37 इनिंग 36 विकेट 7.49 इनकी इकोनॉमी है। उसके बाद यहाँ पर तैयब ताहिर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 11th प्लेयर है, बैट्समैन है, 2 मैच में 1 इनिंग्स में 51 रन बनाए लेकिन लास्ट मैच नहीं खेले। यहाँ उसके बाद 12th प्लेयर की बात करें तो आगा सलमान है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलराउंडर, 46 मैच 39 इनिंग 547 रन 18.23 इनकी एवरेज है, लास्ट मैच नहीं खेले फ्रेंड्स यहाँ पर। बॉलिंग में 46 मैच 29 इनिंग्स 22 विकेट 6.61 इनकी इकोनॉमी है। उसके बाद यहाँ पर उमेर खान की बात करें तो फ्रेंड्स बॉलर हैं, 23 मैच 9 इनिंग 21 इनिंग्स यहाँ पर 20 विकेट लिए, यहाँ पर 12 रन बनाए 2.40 इनकी एवरेज है, लेकिन इनकी इकोनॉमी की बात करें तो 8.12 है। और दिलबर हुसैन की बात करें तो बॉलर है, 17 मैच 17 इनिंग्स 21 विकेट्स लिए, 8.77 इनकी इकोनॉमी है फ्रेंड्स यहाँ पर, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं पूरे स्क्वाड की स्टार्ट्स आपको मैंने दे दिया फ्रेंड, कोई भी प्लेयर मिस होगा तो फ्रेंड्स सारा प्लेयर्स की स्टार्ट्स आपको यहाँ पर है। लेकिन दोनों टीम के बीच अगर हेड टू हेड की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 बार हुआ फ्रेंड्स, इसमें खैबर पख्तूनख्वा ने 3 मैचेस और सतरन पंजाब को 1 मैच जीत मिला। अगर पॉइंट्स टेबल में देखा जाए तो दोनों टीम की फ्रेंड्स यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा ने यहाँ पर 1 मैच खेले, 1 मैच जीत गए, पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान पर है, और सतरन पंजाब 1 मैच खेले और फर्स्ट मैच हार गए फ्रेंड्स, पॉइंट्स टेबल में 5th पोजीशन पर हैं। तो फ्रेंड्स इसका मतलब यह है कि फर्स्ट पोजीशन वर्सेस 5th पोजीशन पर के बीच में होने वाला है। पूरे इस लीग में फ्रेंड्स पूरे 6 टीम खेल रही है, तो यहाँ पर 6 टीम खेल रहा है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए 1 मैच हुआ फ्रेंड्स अभी तक, किसी भी टीम को आप कमजोर नहीं समझ सकते। तो फ्रेंड्स आपको मैंने पूरे स्टार्ट्स दे दिया, और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ फ्रेंड, वो है मेरे टेलीग्राम चैनल, आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर। आपको इस वीडियो का डिमांड था कि इस वीडियो का आप जरूर वीडियो बनाइए इस मैच का। उसके बाद यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन 5 टॉप प्लेयर्स को देता हूँ, उसके बाद वो टॉप प्लेयर्स को मैंने यहाँ पर मेंशन किया, दिस 5 प्लेयर्स मस्ट बी इन योर टीम, ओके, ये ग्रैंडली कैप्टन चॉइस है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद एक फाइनल टीम देता हूँ फ्रेंड, उसके बाद टॉस अनाउंस होने के बाद दोनों टीम की प्लेइंग 11, उसके बाद टॉस की लाइनअप, उसके बाद लिंक भी मिलता है फ्रेंड्स यूट्यूब का, सारा इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे दूंगा, उसके बाद टॉप ग्रैंड लीग पिक्स का प्लेयर्स भी मैं मेंशन करता हूँ, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलने वाला। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो फ्रेंड्स आपको करना है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे सर्च करना फ्रेंड, सर्च करते मेरे चैनल्स हो जाके वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड।
उसके बाद यहाँ पर अगर फाइनल टीम की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने विकेट कीपर में मोहम्मद रिजवान को लिया, बैट्समैन में शोएब मकसूद, फखर जमान, खुशदिल शाह है, और यहाँ पर ऑलराउंडर में इफ्तिकार अहमद, आमीन और मोहम्मद वसीम है फ्रेंड्स यहाँ पर, और गेंदबाजी में हेज खान, आई खान, साइंस अफरीदी और नसीम शाह फ्रेंड्स यहाँ पर, और कैप्टन और वाइस कैप्टन में फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मोहम्मद रिजवान और फखर जमान को मैंने ट्राई किया। तो फ्रेंड्स ये मेरा फाइनल टीम नहीं है, आपको फाइनल टीम मैं टेलीग्राम पे ही दूंगा फ्रेंड, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट जो मैचेस है यहाँ पर मैं अभी एक घंटा अभी बाकी है फ्रेंड्स ये मैच स्टार्ट होने में, तो उसके बाद यहाँ पर नेशनल टी20 कप का एक और मैच है फ्रेंड्स यहाँ पर सिंध वर्सेस नॉर्थन के बीच में, तो ये भी मैच मैं कवर करने वाला हूँ। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर निकोशिया 11 फाइटर्स सीसी वर्सेस श्रीलंका लाइवर लाइंस के बीच में जो मैच है ये मैच भी मैं कवर करने वाला, तो फ्रेंड्स आप टेलीग्राम भी जुड़ जाइए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि फ्रेंड फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वहाँ जाकर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स यही है पूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना फ्रेंड्स, थैंक यू।